आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है दीपक, वेलकम बैक टू K2K मोटो व्लॉग्स। सो यार अभी रात के बज चुके हैं, 10:15 हो चुकी हैं और अभी रश्मि मेरे साथ है, वीडियो शूट कर रही है। yes. तो मैं और रश्मि अभी दोनों रात को शॉर्ट राइड करके आते हैं एक छोटी सी, क्योंकि अभी तक मैंने रश्मि को उतना ज्यादा बाइक पे घुमाया नहीं है। सो उसी बहाने से एक नाइट राइड भी हो जाएगी और बाइक की नाइट राइडिंग क्वालिटी कैसी है वो भी हमें पता चल जाएगा। तो चलो यार चलते हैं फिर एक शॉर्ट राइड करके आते हैं। हाँ जी डॉक्टर साहब, चले फिर एक छोटी सी शॉर्ट राइड मार के आते हैं। चलो मैं चला के लेके चलो। अरे चला लोगे? और क्या, आप बैठो पीछे। ओ भाई मैं चलाती हूँ। क्या बात है, क्या बात है। मैं लेके चलती हूँ आपको राइड पे। ओहो चला लोगे? चला लूंगी। हाँ मैंने इतनी हैवी बाइक नहीं चलाई है। अच्छा, पर मैंने बाइक चलाई जरूर है, मैंने स्कूटर चलाया है। तो हैवी तो नहीं है ये, बस ये कि मतलब स्पोर्ट्स टाइप बाइक है। इट लुक्स हैवी। जो मैंने चलाई है वो नॉर्मल जो हम घर पे कंप्यूटर टाइप की जो बाइक होती है घर पे, वो वाली चलाई है। वो वाली मैंने चलाई है। अच्छा। ये मतलब देखने में लगता है कि इट्स वेरी बल्की, इसलिए थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंस नहीं आता, लेकिन ये हैवी नहीं है बहुत ज्यादा। लास्ट जो तुम्हारी बाइक थी पहले उससे थोड़ी सी लाइट वेट है, थोड़ी लाइट है। राइट, तो चले फिर। चलो चलते हैं, लेट्स सी। बेसिकली मुझे ये देखना है कि कैसा एक्सपीरियंस रहने वाला है न्यू बाइक पे, लोग इतने क्रेजी हैं इसके लिए। yes. और क्लीन कंफर्ट वाली वीडियो बाद में बनाएंगे भाई, आज नहीं बना रहे। आज नहीं, वो कभी दिन में लॉन्ग राइड करेंगे उसके yes. बाद उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। Yes, तो चलो फिर अभी चलते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। यस चलें, घुमाते हैं घूमते हैं। सो गाइज ये खड़ी हुई है पार्किंग में अपनी R15 V4 रेसिंग ब्लू। अभी निकालते हैं बाइक को बाहर और एक शॉर्ट राइड करके आते हैं। ये माला को निकाल देता हूँ यार, एक दिन हो गया बहुत है अब। क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया लग रही है बाइक एकदम बढ़िया। तो भाई बाइक अभी निकाल लिए बाहर और रश्मि को बिठा के बस अभी चलते हैं, बाइक की नाइट राइडिंग क्वालिटी का भी पता चल जाएगा। हाँ भाई बैठ जाओ डॉक्टर साहब। हाँ हाँ बैठो बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बैठो, चलें। आज मैंने अभी निकाली है भाई बाइक, इसी टाइम पे, इससे पहले नहीं निकाली थी। यस भाई रात के टाइम पे मौसम भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। ओए होए क्या बात है, क्या बात है, आ रही है कुछ लाइटिंग। खुला हुआ है बीकानेर, हाँ जी। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अच्छा,
राइड कैसी लगी? राइड अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। वैसे गोप्रो पे यार आ ही नहीं पाया पूरा, क्योंकि वो फोटो वाले मोड पे चला गया, और फोटो वाले मोड पे जाने के बाद उसने सारे फोटो ही खींच दिए भाई जब भी मैंने उसको ऑन किया। यस, हम पहले गए यहाँ से, घर से निकले। यस, हम गए बीकानेर शॉप पे, बीकानेर पे गए, फिर वहाँ पे जाके वो मिठाई ली हमने, मिठाई ली। यस, फिर उसके बाद आइसक्रीम पार्लर गए थे, आइसक्रीम पार्लर पे जो हमें चाहिए था वो तो नहीं मिला, बट जो पार्लर वाले भैया थे, आइसक्रीम पार्लर वाले जो भैया थे, उनको बाइक पसंद आ गई, वो बोले कि भाई मेरे को एक फोटो लेने दो। हमने कहा कि भाई लो, फोटो लेने में क्या दिक्कत है यार। और आपने वो शॉट कैप्चर ही नहीं किया? नहीं, वो गोप्रो में फोटो तो आ गया उसका, गोप्रो में फोटो आया। यस, फोटो आ गया लेकिन वीडियो नहीं आ पाई। मतलब बाइक पे बैठ गई ना, जो मुझे बेस्ट चीज लगी, अच्छा, इसकी पीछे वाली जो सीट है वो हाइट है उस पे, तो जब मैं पीछे बैठी हुई थी तो मैं लिटरली आपके सर के ऊपर से देख पा रही हूँ। पिलियन सीट हाइट ज़्यादा है ना इसकी? यस यस, ऑब्वियसली। तो मैं पीछे से ना ऊपर से आपके सर से देख पा रही थी, तो मुझे वैसा वाला फील आ रहा था एज इफ कि मैं ही बाइक चला रही हूँ। अच्छा, पूरी हवा, पूरा प्रेशर, सब कुछ, और सामने आपको सब कुछ दिख रहा है। क्या बात है। नहीं तो यूजुअली पहले बाइक पे क्या होता था, जो भी पीछे बैठा है उसको आइदर तो लेफ्ट साइड से झुकना पड़ेगा या राइट साइड से देखना पड़ेगा। बट इसमें अगर आप स्ट्रेट होकर बैठोगे ना तो आप ऊपर से ही देख सकते हो, बहुत अमेजिंग वाली फीलिंग थी। तो खुद राइड करने वाला फील आ गया कि भाई खुद ही राइड कर रहे हैं बाइक को, है क्या बात है भाई। जिसको बाइक नहीं चलानी आती उसको बाइक चलाने वाला बैठ के फील ले सकते हैं भाई वो आर एन फाइव पे। यस डेफिनेटली, उनको बाइक राइड करने का फील मिल जाएगा। हाँ, नाइट राइडिंग क्वालिटी भी अच्छी है भाई बाइक की। इल्यूमिनेशन का टेस्ट मैंने आपको करवाई दिया था बाइक का, इस बाइक की हेडलाइट का इल्यूमिनेशन काफी अच्छा है। आप बताओ आपको कैसा लग रहा है रात में बाइक चला के? रात में बाइक चला के हमेशा अच्छा लगता है, क्योंकि रात में चलाने से काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ट्रैफिक नहीं होता है एकदम, तो रोड खुले खुले होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और दूसरी बात ये है कि रात को ठंडी ठंडी हवा लगती है राइड करते हुए, और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगती है, और शांति भी होती है, मतलब शांति सम एक्सटेंट, शांति, सुकून और ठंडी ठंडी हवा। यस, और खुले खुले रोड, हाँ, नेचर का फील आप ले सकते हो, नेचर का फील ले सकते हैं एकदम बढ़िया वाला। राइट, तो रात को राइड करके थोड़ा अच्छा लगता है। यस, और बाकी रही बात इसके कंफर्ट की, तो कंफर्ट कैसा है वो तो किसी दिन है ना लंबी राइड पे चलेंगे। यस, फिर डिटेल वीडियो बनाएंगे। यस, पिलियन कंफर्ट के ऊपर। एग्जैक्टली, फीमेल स्पेशली फीमेल्स कंफर्टेबल होती हैं बाइक पे, नहीं होती हैं, लॉन्ग राइड के लिए अच्छी है नहीं है, सब कुछ कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नहीं, अलग मतलब, एक वीडियो जो आएगी इस वीडियो में। अरे आप तो समझ ही गए। यस यस, तो भाई इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छे से शूट हुई होगी तो ये वीडियो बन जाएगी और आप इसको देख रहे होंगे, और अगर नहीं शूट हुई होगी तो गलती होगी, नहीं तो गलती होगी दीपक की और दीपक के गोप्रो की। यस, मेरी कोई गलती नहीं होगी, तो ये डिलीट हो जाएगी। नहीं, आई होप कि डल जाए। तो भाई इस वीडियो में इतना ही, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कुछ भी इस वीडियो में आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन राइड सेफ, ड्राइव सेफ, और आप अपनी आइसक्रीम खा लो नहीं तो पिघल के पानी हो जाएगी। चलो भाई आइसक्रीम खाते हैं, बाय बाय।